गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम ऑल्सो फाइन। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ इस बार का दुर्गा पूजा आप लोग का बहुत ही अच्छा बीता है। तो फ्रेंड्स, इस बार दुर्गा पूजा के समय मैंने भी अपने फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है। और फ्रेंड्स, दुर्गा पूजा के समय मैंने कोई भी ब्लॉगिंग नहीं की थी और फिर आज से मैं ब्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ और आप लोग का अपने ब्यूटीफुल ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। इसी उम्मीद के साथ कि आज का ये ब्लॉग फिर से आप लोग को बहुत अच्छा लगे पहले की तरह। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज सारा दिन मैं क्या कर रही हूँ चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी तो फिलहाल हस्बैंड बाहर चले गए हैं नाश्ता करके, उनको कुछ काम था बाहर और मैं घर में हूँ। उन्होंने रोटी सब्जी खाया है और मैं खुद के लिए जा रही हूँ ब्रेड बटर वगैरह बनाने। तो चलिए देखते हैं किचन में मैं क्या बना रही हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्रेड बटर अपने लिए। तो यहाँ मैंने ब्रेड को तावा पे ही बनाना अच्छा समझा है क्योंकि मुझे आज तावा वाला ब्रेड बटर खाने का मन था। तो यहाँ मैंने ब्रेड को अच्छी तरह से सेकने के लिए डाल दिया है तावा पे। दोनों साइड अच्छे से सेक लूँगी, फिर इस पर बटर लगा लूँगी। फ्रेंड्स, बहुत सिंपल सा ब्रेकफास्ट करने का आज मेरा मन था तो मैंने यही ब्रेकफास्ट किया है। हस्बैंड रोटी सब्जी खा के गए हैं और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपनी ब्रेकफास्ट की प्लेट लगा ली है। इसमें है ब्रेड बटर और साथ में मैंने एप्पल को भी छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। तो आज का ब्रेकफास्ट मेरा यही है। कभी कभी सिंपल सा ब्रेकफास्ट खाने का भी बहुत ज़्यादा मन करता है, ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगता है फ्रेंड्स। तो यहाँ एप्पल है और यहाँ पे है ब्रेड बटर। तो मैं जा रही हूँ अभी ये ब्रेड बटर ब्रेकफास्ट में एंजॉय करने। और आप लोग आज ब्रेकफास्ट में क्या खा रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा फ्रेंड्स। तो ये सिंपल सा ब्रेकफास्ट है पर मुझे बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी लगता है ब्रेड बटर, इसलिए मैं अधिकतर दिन जब भी मुझे मौका मिलता है ब्रेड बटर ही खा लेती हूँ अगर हस्बैंड मार्केट से ब्रेड लाते हैं तो। फ्रेंड्स, आप लोगों को ब्रेड बटर कैसा लगता है मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। और मैं जा रही हूँ अभी इसे एंजॉय करने। ठीक है फ्रेंड्स, एंजॉय करके फिर मिलती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, ये है अभी का वेदर और आज मैं अभी आई थी बाहर वेदर देखने तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये वाला फ्लावर जो मैं आप लोगों को पहले भी दिखा चुकी हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा प्रीटी लगता है। एक फ्लावर सूख जाता है तो फिर दूसरा फ्लावर भी उगने लगता है, इससे बहुत ज़्यादा प्रीटी फ्लावर है फ्रेंड्स। इसका कलर भी इतना औसम है मैं आपको क्या ही बताऊँ, सामने से देखने में बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। इसको नयनतारा का फ्लावर बोलते हैं शायद। और देखिए, यहाँ एक फ्लावर पहले से होके सूख गया था, उसी को मैं हटा रही हूँ और ये फ्लावर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है फ्रेंड्स। आप लोगों को कैसा लगा बता। फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ दोपहर का लंच प्रिपेयर करने और लंच में ज़्यादा कुछ भी आज नहीं बनाऊंगी, सिंपल सा एक कढ़ी और चावल ही बनाऊंगी। तो चलिए देखते हैं क्या कर रही हूँ मैं किचन में। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आ गई हूँ लंच प्रिपेयर करने और लंच के लिए आज मैं एक कढ़ी बनाने वाली हूँ क्योंकि एक कढ़ी मेरे घर में सबका बहुत फेवरेट है। तो मैं यहाँ पे एग्स को अच्छे से वाश कर ली हूँ और एग्स को वाश करने के बाद इसे बॉयल होने के लिए चढ़ा दे रही हूँ। फ्रेंड्स, एग करी बनाना सबसे इजी प्रोसेस मुझे लगता है क्योंकि ये बहुत जल्दी भी बन जाता है, इजीली भी बन जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने एग्स को 5 एग्स को ऊपर रख दिया है गैस के और ये बॉयल हो जाएगा अभी। तो मैं इसे एग करी बना लूँगी। और देखिए फ्रेंड्स, ये नीचे वाला जो स्टीम है यानी कि गैस का फ्लेम बहुत ही ज़्यादा स्लो जलता है, इसलिए मैं यहीं पर एक कढ़ी बॉयल होने के लिए दे रही हूँ। ये धीरे धीरे अपना बॉयल होते रहेगा और मुझे ये गैस भी ठीक करवाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुकर में आलू बॉयल होने के लिए डाल दिया है, यानी कि आलू इस पर अच्छे से काट के पील करके वाश करके डाला हुआ है और ये अब मैं बॉयल कर लूँगी और आलू के साथ ही आज मैं एक कढ़ी बनाऊँगी फ्रेंड्स। तो यहाँ फ्रेंड्स, एक तरफ एक बॉयल हो रहा है और दूसरी तरफ आलू बॉयल होने के लिए मैंने कुकर में रख दिया है और गैस ऑन कर दिया है फ्रेंड्स। तो जैसे ही एक बॉयल हो जाते हैं और आलू भी बॉयल हो जाता है, आज का सिंपल सा लंच मैं प्रिपेयर कर लूँगी। कभी कभी बहुत ज़्यादा सिंपल सा लंच अच्छा लगता है, एक कढ़ी भी वैसे भी बहुत इजी प्रोसेस से बन जाता है और मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। आप लोग में से किन किन लोगों को एक कढ़ी पसंद है और साथ में सिंपल सा चावल पसंद है मुझे बताइएगा कमेंट करके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सारा का सारा एग जो भी मैंने बॉयल करने दिया था वो सब छील के रख दिया है और साथ में आलू भी बॉयल हो चुका था तो मैंने इसे अच्छा से निकाल लिया है और एक करी बनाने के लिए साथ में रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं एक में हल्का सा चीरा लगा लूँगी और इसे नमक हल्दी के साथ मैरिनेट कर लूँगी और अच्छे से फ्राई कर लूँगी फ्रेंड्स। इस तरीके से एक करी बनाने से बहुत ही अच्छा एक करी बनता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हल्का सा तेल डाल के कढ़ाई में मैं 5 एग्स को फ्राई कर ले रही हूँ अच्छे से रेड करके,
ताकि उसका कच्चापन चला जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मेरा करी ऑलरेडी डन है। मैंने आलू वगैरह, सब्जी मसाला वगैरह, सारा कुछ जो भी ड्राई मसाले वगैरह जरूरी थे सब डाल दिया है, और एग्स भी डाल दिया है, और एग्स करी ऑलमोस्ट डन है। इसमें से ऊपर से मैं कसूरी मेथी और एक चम्मच गरम मसाला डाल दूँगी। एक टीस्पून गरम मसाला डालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, एक करी को मैंने एक कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दिया है, और ये एक करी बहुत ही अच्छी और यम्मी बनी है, देखने से ही पता चल रहा है। और जब ये गर्म है तो और भी ज़्यादा अच्छा स्मेल आ रहा है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है जो चारों तरफ फैल रहा है। तो मैं इसी तरीके से सिंपल सा आज एक करी बना ली हूँ। इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगा और तुरंत ही बन भी गया है फ्रेंड्स, और खाने में भी बहुत ज़्यादा यम्मी और टेस्टी लगता है। आप लोगों को ये एक करी कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा फ्रेंड्स। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट्स पढ़ना, और जब आप लोग इस तरीके से मेरी लंच की थालियों को प्यार देते हैं तो मुझे और भी अच्छा लगता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, कभी कभी दोपहर को बहुत ज़्यादा सब्जी वगैरह बनाने का मन नहीं करता है, और लगता है सिंपल सा कुछ ऐसा बना लिया जाए जो जल्दी भी बन जाए और खाने में भी बहुत ज़्यादा यम्मी हो। तो मैं तो एक करी को ही प्रीफर करती हूँ, क्योंकि एक करी बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी लगती है चावल के साथ। फ्रेंड्स, ऑलरेडी मेरा लंच बन के तैयार है, तो चलिए आप लोगों को लंच दिखाती हूँ। आज के लंच की थाली में मैंने क्या क्या रखा है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे मैंने लंच की थाली की प्लेटिंग कर ली है, और बहुत ही सिंपल सा लंच आज मैंने बना के तैयार किया है। इसमें ना कुछ फ्राइड आइटम मैंने रखा है, ना ही कुछ सब्जी वगैरह भी रखा है, सिंपल सा एक करी और चावल ही मैंने बनाया है फ्रेंड्स। और बीच में पूजा था, तो पूजा में बहुत हम लोगों ने बाहर का खाना खाया है और बहुत ही ज़्यादा ऑयली खाना भी खा लिया था, तो सोचा आज सिंपल सा लंच एंजॉय किया जाए घर में। तो आज का लंच आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा फ्रेंड्स। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग लंच की थाली को पसंद करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आज का सिंपल सा लंच में है चावल, और साथ में मैंने बनाया हुआ है एक कड़ी। आप लोगों को ये एक कड़ी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा फ्रेंड्स। और साथ में मैंने यहाँ पे पापड़ रखा हुआ है, वो भी सेका वाला, और ये पापड़ बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है। चावल भी आज बहुत खिले खिले बने हुए थे फ्रेंड्स, और साथ में मैंने कच्चा प्याज यानी कि ओनियन रखा हुआ है। तो आज की लंच की थाली आप लोगों को कैसे लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर ज़रूर से बताइएगा फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को दिखाया था कि वेदर कितना अच्छा है, कितना सुहाना है, और अभी बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई है। इतनी तेज़ बारिश हो रही है, पता नहीं आप लोगों को विजिबल है या नहीं, लेकिन यहाँ बहुत ज़ोर की बारिश हो रही थी और मौसम और भी ज़्यादा सुहाना लगने लगा था। यहाँ का मौसम बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है, सुबह लग ही नहीं रहा था बारिश होगा, लेकिन अभी बहुत तेज़ बारिश हो रहा था। और ये वेदर मुझे बहुत पसंद है, मुझे रेनी सीज़न बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन हम लोग घर में रहते हैं तो ये रेनी सीज़न बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जो लोग बाहर रहते हैं वो लोग को तो थोड़ा प्रॉब्लम होता ही है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक काव था और बहुत ही ज़्यादा बारिश में भींग रहा था। जानवरों के लिए भी ये रेनी सीज़न उतना अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि हम लोग तो घर पे हैं, सेफ है, पर जानवर बाहर ही रहते हैं फ्रेंड्स, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा फ्रेंड्स। इसी के साथ आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ आप लोग के पास फिर से आऊँगी, और तब तक के लिए बहुत बड़ा वाला बाय। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा चैनल बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करके जाइएगा। जो लोग न्यू है और जो लोग ओल्ड है तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू।